देखिए आरबीएन है यहाँ पर, और सामने कोई मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मंदिर है हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वहाँ मैं नहीं पहुँचा हूँ। और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो इन्होंने ही मुझे लेकर आए हैं, और ये सब इन्हीं के साथ आज हम 2 दिन से हैं। बहुत अच्छा रहा इन लोगों का साथ। और अभी हम यहाँ जा रहे हैं नीचे समुद्र की तरफ। ये सामने समुद्र आपका दिखाई दे रहा है, हवा चल रही है यहाँ पर, लोग लुत्फ़ ले रहे हैं। शाम का वक्त होता तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ दिखाई देते, लेकिन अभी चल रहे हैं यहाँ पर हम लोग। हम सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आपका धीरे धीरे करके सीढ़ियों के माध्यम से हम पहुँच रहे हैं। ये हम लोग प्रवेश कर गए अब। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर यहाँ डाल रखे गए हैं ताकि कभी समुद्र का ज्वार जो आता है उससे ये मिट्टी कटकर खिसके ना, अंदर पानी भी ना जाए, सुरक्षा की दृष्टि से है वो इस समुद्र के पानी के। जा रहे हैं हम वहाँ पर। आप लोग हाँ लीजिए, आइए हम वैसे ही ले लेंगे। अभी देखिए हमारे साथ में है विजेंद्र, देखिए विजेंद्र गौतम, अवनीश गौतम, अवनीश गौतम, प्रज्ञेश दिवाले। हमारे साथ में है, इन्होंने हमें लेकर यहाँ पर आए हैं समुद्र के। हम देखिए अब इधर घुमा रहे हैं कैमरा, आप देखिए कैसे ये समुद्र आपका लहरा रहा है। देखिए पानी समुद्र का, यहाँ पर क्या हुआ प्रैक्टिस, देखिए ये समुद्र है, तीथर तीथल स्थान है ये। यहाँ पर देखिए हम तीथल के पास हैं, और ये यहाँ पर देखिए सामने दुकानें सजी हैं, ये दुकानें हैं, और यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था को हम दिखा रहे हैं, अच्छा है। यहाँ पर शाम का नज़ारा यहाँ कुछ और रहेगा क्योंकि धीरे धीरे सूरज आगे की तरफ बढ़ेगा, तो सूर्य बताते हैं यहाँ के लोग कि तब उसकी कुछ और ही लुक होती है। और ये हम लोग इस समय काफ़ी यहाँ पर पानी काफ़ी आगे तक आ चुका है, हम लोग 100-150 फीट और आगे था, और ये पानी अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। और हम अब ऊंचाई से दिखा रहे हैं आपको इस समय यहाँ पर। अभी ये परिवार जो आ रहा है ये सब भी काफ़ी आगे काफ़ी देर से यहाँ पर समुद्र का लुत्फ़ ले रहे थे। और देखिए यहाँ पर घोड़े भी आ गए हैं, और किसी को बैठ करके आना जाना हो मनोरंजन के तौर पर तो यहाँ पर घोड़े भी हैं, बैठ कर ये समुद्र का लुत्फ़ ले सकते हैं। ये हम स्वामी नारायण मंदिर के पहले यहाँ पर एक तीथल ब्रिज बीच तीथल बीच के पास हैं, समुद्र के किनारे हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए कैसे ये इस पेड़ को सजाया गया है, पेड़ है, छाया भी है, और कितने उसको कलर किया गया है, नीचे कोई गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरा है। पार्क भी बगल में बनाया गया है यहाँ पर। हम चल रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये देखिए बीच का, बीच में घास है, ये कितना सुंदर बनाया गया है, देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, फूल पत्ती भी अच्छे ढंग से तो सजाया गया है। यहाँ पर भी देखिए गार्डन जैसा है ये आपका,
बीच में देखिए, और यहाँ नारियल के पेड़ भी हैं, और ये पेड़ बहुत अच्छे हैं, ऊपर से छाया है, नीचे साफ सुथरा है। तीथल के पास है हम लोग हैं, सामने समुद्र है, ये देखिए नज़ारा। और अभी हम चल रहे हैं समुद्र की तरफ, ये स्वामीनारायण मंदिर भी यहाँ पर है। ये यहाँ से हम दिखा रहे हैं थोड़ा सा आपको, ये देखिए समुद्र आपको, ये यहाँ पर देखिए, ये अभी हम लोग तीथल के पास थे, ये भी तीथल में ही आता है, लेकिन यहाँ ये स्वामीनारायण मंदिर है आपका, वहाँ ले चल रहे हैं। ये हम बाहर से थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको, देखिए नारियल खराब हुआ है, बनाया गया है घास फूस के गार्डन के अंदर, ये देखिए बहुत बढ़िया झाड़ी से, ये यहाँ पर देखिए फूल पत्ती, ये अपने यहाँ भी फूल पत्ती ये मिलती है, लेकिन उसे कूड़ा समझते हैं, अलग अलग वैरायटी यहाँ पर है। और इसको देखिए कैसे इसको सजाया गया है, और ये दोनों फूल पत्ती अपने यहाँ देखिए हाथ में हम लिए हैं, अपने यहाँ इस पौधे का संचालन है, मिलता भी है, लेकिन इसको दूसरे उससे देखा जाता रूप से। यहाँ पर देखिए कैसे खुशबू आ रहा है, यहाँ पर सुगंध अच्छा है इस फूल पत्ती में। और अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं, ये आपका स्वामीनारायण मंदिर सामने दिखाई दे रहा है, उसी जगह पर हम चल रहे हैं। और यहाँ पर अच्छा खुशबू है, जो भी फूल पत्ती यहाँ पर हैं खुशबूदार दिख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे सुगंध भी मिल रहा है। चल रहे हैं यहाँ पर, देखिए कैसे ये बिजली के खंभे में देखिए गमला सजाया गया, लगाया गया है, फूल पत्ती भी लगाया गया है यहाँ पर। और ये आपका सामने कुछ लिखा है जो गुजराती भाषा में है, सामने मंदिर भी है, और यहाँ पर देखिए बुक है, स्टॉल है अंदर। यहाँ पर देखिए कि ये देखिए हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर गार्डन बहुत अच्छा बनाया गया है। ये स्वामीनारायण मंदिर सामने आप देख रहे हैं, वहाँ भी पहुँच रहे हैं, स्वामीनारायण मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग दर्शन करने आए हुए थे, यहाँ पर गार्ड हैं बैठे, यहाँ पर देखिए लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं, अपना जूता चप्पल निकाल रहे हैं बाहर, अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए सामने कितने डिजाइन से बनाया गया है, दो काम कर सकता है, नीचे मीटिंग हॉल बैठने की व्यवस्था होगी, और ये सब सोलर प्लांट लगाए गए हैं, बिजली भी मिलती रहे। और यहाँ पर देखिए पद्म चार का यहाँ बनाया गया है, पैर हैं दोनों, और देखिए इस पर शंख बनाया गया, उस शंख के उससे पानी निकल रहा है और चरण धुला जा रहा है, ऐसा दिखाया गया है यहाँ पर, ये बनाया गया है। तो आगे बहुत अच्छा गार्डन है, हम सीढ़ियों के माध्यम से चल रहे हैं मंदिर को देखने के लिए। यहाँ पर कितनी डिजाइन से बनाया गया है, ये सब देखने लायक है, अच्छा है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं, जनपद गोरखपुर से, और ये आपका स्वामीनारायण मंदिर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं।
ले चल रहे हैं मंदिर की तरफ। बहुत ही डिजाइन से बनाया गया है, काफ़ी वक्त लगा होगा इसको बनाने में, इस मंदिर को बनाने में बहुत ही डिजाइन निकाला गया है यहाँ पर। ये आप देखिए इधर भी है, ये आप देख सकते हैं। हम बाहर का ही दिखा रहे हैं, अंदर अभी नहीं गए हैं, अंदर ही जाते हैं। लगता है प्रवेश द्वार चारों तरफ ऐसे बनाया गया है, और यहाँ पर दरवाजा बनाया गया है कितना अच्छा, इसमें डिजाइन भी निकाला गया है। ये दरवाज़ा है सामने, देखिए मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये अंदर का हम लोग अब दिखा रहे हैं मंदिर का, कितनी डिजाइन से बनाया गया है। ये सब पत्थर के ही, पत्थर से ही बनाया गया है ये। और इस लुक को आप देखिए, यहाँ पर ये हमको लगता है ये गुरु का बैठने का वो स्थान था, यहाँ पर बनाया गया है। ये ऊपर देखिए कितने अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है, सब पत्थर की कटिंग करके बनाया गया है, लकड़ी का कोई नहीं है। काफ़ी वक्त लगा होगा इसको बनाने में। और ये आप देखिए स्वामी नारायण मंदिर बलसाड़ गुजरात में, जो समुद्र के किनारे हैं, तीथल कहा जाता है उसी एरिया में यह है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं, अब ये मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता है। ये देखिए काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया, काफ़ी समय लगा होगा इसको बनाने में, सब डिजाइन बहुत अच्छी डिजाइन निकाला गया है। ये देखिए इसको सोलर प्लांट का ये बनाया गया है। और यहाँ लगता है शाम को कुछ कार्यक्रम होता होगा, क्योंकि बिजली की व्यवस्था के लिए अच्छा है, सब नीचे छायाजन का काम कर रहा है, ऊपर से बिजली के लिए आपका सोलर प्लांट भी लगाया गया है। हम गेट के माध्यम से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आस्था का ये केंद्र है, और यहाँ पर देखिए ये मंदिर बहुत अच्छा बनाया गया है। देखिए गोल्डन कलर में रंगा गया है, बहुत अच्छा है। ये देखिए मंदिर, यहाँ कांच लगाया गया है, कांच के बाहर से दिखा रहे हैं आपको। आपका ये मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए श्री घनश्याम महाराज जी की प्रतिमा है यहाँ पर, ये आप देखिए। मंदिर के बाहर आ चुके हैं यहाँ पर, अब चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब घर की तरफ निकलना है। ये देखिए यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है, शिवलिंग भी है स्थापित। ये आस्था का केंद्र है यहाँ पर, देखिए ये हम दिखा रहे हैं, साथ में पार्वती जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, और ये शिवलिंग भी यहाँ बनाया गया है। देखिए
स्वामीनारायण मंदिर का दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर एक ही यूनिफार्म में है सभी लोग। यहाँ पर ये अच्छा आस्था का केंद्र है लोगों को। यहाँ पर देखे जा रहे हैं।